नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के एक ट्वीट ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस बिहार चुनाव में करारी हार के बाद से ही अंदरूनी कलह का सामना कर रही है। आनंद शर्मा ने कोविड 19 का टीका विकसित कर रही कंपनियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रविवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को पीएम मोदी की सराहना के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद आनंद शर्मा ने सफाई देते हुए नया ट्वीट किया है। आनंद शर्मा ने खेद जताते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि पहले के ट्वीट में कुछ गलती के कारण लाइनें मिसप्लेस हो गई, जिसकी वजह से भ्रम पैदा हुआ। असली ट्वीट इस प्रकार है। कांग्रेस नेता ने पहले ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की यात्रा भारतीय वैज्ञानिकों और कोविड 19 के लिए टीका तैयार करने के उनके काम की पहचान है। ये अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएगा और राष्ट्र को आश्वस्त करेगा। एक दिन पहले ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा था। आनंद शर्मा ने रविवार को एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के 29 नेताओं के समूह में शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।